पेबल्स में आपका स्वागत है। हम वैलेंटाइन डे के अवसर पे एक बढ़िया सा फूलों का एक वॉल हैंगिंग बना रहे हैं। आइए देखें कैसे बनता। एक कार्डबोर्ड लेंगे, ऐसे हार्ट शेप में काट लेंगे, साइड का और बीच का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो सब निकाल लेंगे। तो ये अच्छे से हमने काट लिया। अभी हम पिंक कलर का शीट लेंगे, लगभग 6 सेंटीमीटर का। इसको पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, दो छोटे ट्रायंगल और बनाएंगे इसमें, ये एक ये दूसरा, ये हो गया दूसरा भी। इसको फिर हम एक डबल करके एक ये एक ट्रायंगल और बनाएंगे इसका। फिर इसको हम एक पेंसिल से इसको एक राउंडिंग करेंगे थोड़ा सा ऐसे रख के, एक कर्व जैसा बना लेंगे और फिर हम इसको काट लेंगे। ये काट के जो कॉर्नर्स है उसको थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, दोनों कॉर्नर्स को। अब इसको खोलेंगे, ये हमारे ये थोड़ा सा और काट लेते हैं, हाँ दोनों तरफ और काट लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये हमारा फूल रेडी हो गया, फ्लावर्स। बीच में पेंसिल से दबा के थोड़ा सा इसको राउंडिंग करेंगे, बाद में इसको उल्टा हम पेंसिल से ऐसे करेंगे ताकि वो खिले हुए फूल लगे। ऐसे घुमा के फिर एक बार पेंसिल डालेंगे, फिर एक बार इसको उल्टी तरफ इसको खोल लेंगे। अब एक और बनाते हैं, 6 सेंटीमीटर का पीस लेके वैसे ही हमने एक और बना लिया। इसके जैसे मैंने हमने बहुत सारे बना लिए हैं, ये बहुत सारे फूल बन गए हैं। तो हम पहले अपना हार्ट शेप लेते हैं जो हमने काटा है, पिंक कलर का वुलन धागा लेंगे और एक 20 बार इसको ऐसे घुमा लेंगे। थिक दिखना चाहिए इसलिए एक एक धागा घुमाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए एक साथ में इसको करेंगे ताकि ये थिक नजर आए। अब इसको हम बीच में काट लेंगे, ये हाँ थोड़ा सा ग्लू लगा लेंगे अब कार्डबोर्ड पे। अब ये धागा हम इसके ऊपर डाल के थोड़ा इसको सूखने दें थोड़ा, फिर थोड़ा ताकि हाँ थोड़ा सा ग्लू और लगा लीजिए ऊपर से, गुड। तो अब इसको हम धीरे धीरे जो कार्डबोर्ड का जो बॉर्डर है ये पूरा हम रैप कर लेंगे। ध्यान देना कि बीच में गैप नहीं रहनी चाहिए ताकि कार्डबोर्ड नज़र ना आए। तो ये हमारे वॉल हैंगिंग के लिए हमें ऐसे और घुमाएंगे, इवनली इसको आप लगाइए कार्डबोर्ड पे। ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ये हमने कर लिया। अभी जो एक्स्ट्रा बचा है इसको हम पीछे थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम चिपका लेंगे, ये ऐसे चिपका लेंगे। अब ऐसे ही हम बाकी का भी कर लेंगे और थोड़ा सा गैप बीच में छोड़ देंगे। ये इसके ऊपर हम थोड़े से पॉम पॉम लगाएंगे, ये ऐसे पॉम पॉम हम इसके ऊपर चिपकाएंगे, जो हमने खाली एरिया छोड़ा है उसके ऊपर ये पॉम पॉम चिपकाएंगे। ये हमने लगा ली। अब ये जो फूल है ये भी चिपका लेंगे हम ये ग्लू से ऐसे, ये एक और लगा लेंगे। पॉम पॉम जैसे चिपकाया ऐसे ही सारे फूल चिपका लेंगे जो हमने काटे हैं। अभी हम वाइट कलर पर्ल्स इसके ऊपर चिपकाएंगे, तो थोड़ा सा ग्लू बीच में लगा के फूल के बीच में ये ऐसे एक एक करके बीच में ये सफेद मोती लगाएंगे। ये हाँ अब एक एक करके इस पे मोती लगाते जाएंगे सेंटर में, एक और हाँ। अब वो दूसरी तरफ भी हमने लगा लिया। अब पॉम पॉम के ऊपर हम ऑरेंज कलर के मोती लगाएंगे, ऑरेंज बॉल्स भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये चिपका लेंगे पॉम पॉम पे।
तो इससे हमारा ये फ्रेम का बॉर्डर रेडी हो गया। अभी हम इसको डेकोरेट करने के लिए एक पिंक कलर ग्लिटर शीट लेंगे। जो छोटा हार्ट हमने बीच में से काटा था वो बीच में रख के ये हार्ट शेप में अच्छे से काट लेंगे। ये पेंसिल से इसका बॉर्डर बना के फिर इसको अच्छे से हम काट लेंगे। ये इसका बॉर्डर हम अच्छे से काट लेंगे। ये अब थोड़ा सा फिनिशिंग कर लेते हैं इसकी। ये सारा जो एक्स्ट्रा है वो निकाल लेते हैं। ये भी हाँ ये अच्छे से कट गया। अब एक सैटन रिबन लेंगे, छोटे साइज का काट लेंगे, इसके पीछे ग्लू से चिपका लेंगे। ये ऐसे लगा के इसको फिर चिपका लेंगे कार्डबोर्ड के ऊपर। ओके, जो एक्स्ट्रा रिबन है वो काट लेंगे, ये ऐसे काट लेंगे। अब एक बड़ा वाला सैटन रिबन लेंगे, उसको बीच में वहाँ पे लगा लेंगे, ये सेंटर के ऊपर, इसके ऊपर चिपका लेंगे और थोड़ा सूखने का इंतज़ार करेंगे। तो ये हमारा वॉल हैंगिंग तैयार। क्यों दोस्तों, मज़ा आया? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।